उसके पेट में समर का वेट बच्चा आपको है। पता है उसको पता है क्या? पूछो तो सही पहले उससे। समर भी तो बोल रहा है आपके सामने। समर ने भी बोला है कि उसका पूछो तो। सर आओ देखो, आपने समर का भी ले लिया बयान और फिर क्या नाम है, समर की मम्मी का भी ले लिया, गुनगुन का भी ले लिया। जिस भी तरीके से आप कोई भी नतीजे पर पहुँचो वो आपकी सोच है, लेकिन अब से जो क्या नाम है, जो एक मेन जड़ है ना, जो बार बार नाम रिपीट हो रहा था, राधिका, राधिका की मम्मी और राधिका, ठीक है, आप उसका आज बयान लो, उससे बातचीत करो, तहकीकात करो क्या चीज़ है क्या नहीं है। आज मैं आप उससे मिलवाने के लिए आया हूँ, ठीक है, उससे आप बात करो और बात करने के बाद किसी भी तरीके से उस पर धार लगाओ, धार लगाने पर उससे जेल में दिलवाओ, ठीक है। आप चलो, चलो राधिका से मिलता है पहले। चलो 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 सर बैठो। अब क्या दिक्कत हो गई तुझे? दिक्कत क्या होगी सर, बात करने के लिए आए हैं सर। करो बात, आप जो भी आपको बात करनी, जो आपका ही नाम राधिका है? मेरा नाम राधिका है। आपकी कंप्लेंट है? किस बात की? कि आप गुनगुन को यहाँ रहने नहीं देती हैं। रहेगी किस हक से? और आपकी मम्मी है तो रहेगी किस हक से, ये भी तो पूछो ना उससे। किस हक से रहेगी ये भी तो बता दे पहले। उसके पेट में समर का वेट आपको पता है? उसको पता है, पूछो तो सही पहले उससे। समर भी तो बोल रहा है आपके सामने। समर ने भी बोला है कि उसका तो पूछो तो सही, उन लोगों तो पहले ही बता दो, किसी का 40 किसी का 60, मैं क्या बोलूं, मैं किसका मान लूं? आप उसे रहने नहीं देते हैं। क्यों रहने दूंगी मैं यहाँ पे, मैं क्यों रहने दूंगी? टॉर्चर करते हैं तो मैं रहने क्यों दूंगी, ये घर थोड़ी है उसका, वो तो अपने घर से भाग के आई थी यहाँ पे। आपकी मम्मी? तो मेरी मम्मी तो समर की सास लगी, तो वो तो रहेगी ना, तो वो तो यहाँ रहती है ना, तो रहेंगी ना बिना उसके, मतलब बेटी रह रही है जब, कौन रह रहा है यहाँ पे जबरदस्ती? ये लिखा है कि जबरदस्ती रह रही है, चूर जबरदस्ती रह रही है, जब बेटी का घर है तो रह नहीं सकती माँ आके। भाई आप एक बात बताओ, किस ससुराल? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसकी बहन क्यों रहती है यहाँ पे आके, इसका और ये क्यों आ रहा है? आप भी तो फैमिली मेंबर होंगे कि इसकी मम्मी यहाँ रह क्यों? तो तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है भाई? ये कौन होती है? तू कौन होता है? मुझे तू कौन होता है? थोड़ा शांत तू कौन होता है लाने वाला? सर ये तो आपके खिलाफ कंप्लेंट, इसलिए किस बात की है वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। हाँ तो बताओ ना आप क्या कंप्लेंट है? गुनगुन को रहने नहीं दे रहा। तो भाई मैं वही तो पूछ रही हूँ, मैं क्यों रहने दूंगी? वो कोई बीवी लग रही है, कोई कुछ लग रही है क्या जो मैं रहने दूंगी? समर का तो घर है ना, समर का घर है, तो उसकी बीवी भी तो हूँ ना मैं, ऐसा तो नहीं है कि मेरा डाइवोर्स हो गया या कुछ हो गया, तो बीवी तो वो भी उसकी है। तो मेरे को नहीं पता वो किसकी बीवी है, कभी ध्रुव की हो जाती है कभी समर की हो जाती है, तो आप उससे ही पूछो जाके, ठीक है? उसका पेट में तो उसका तो मैं बता तो रही हूँ, जब पहले जब निकला था किसी का 60 जा रहा था, किसी का 40 जा रहा था, तो अभी भी किसी का नहीं है क्लियर, ठीक है? तो समर ने कंफर्म कर दिया, तो क्या हो गया? अब तो ध्रुव भी कह रहा है कि मैं रख लूंगा, तो उससे मतलब तुम वही छोड़ दो फिर उसे। भाई आप एक बात बताओ, लड़की ने समर ने दोनों ने ये बोला है कि ऊपर कंप्लेंट डालो, बोला है? अच्छा समर ने बोला है, अच्छा बोला था, बोला है वो तो। लो। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, एक काम करो फिर, तो ठीक है ठीक है, तो अगर सामने लिखवा तो सामने पूछवा दो, फिर बात खत्म हो जाएगी। सामने तो ठीक है पूछवाएंगे, तो ठीक है आप भी कंप्लेन लिखो फिर, तो आप भी कंप्लेन लिखो ना फिर, आप भी अपनी बताइए फिर। तो जब वो कोई बीवी नहीं है, वाइफ ही नहीं है, तो फिर वो किस हक से रहेगी इस घर में, मुझे इतना बता दो। जब समर मान चुका है तो मानने से क्या होता है, आप कानून से ही आए हो ना, उसी में ही है, तो आप भी तो कार्रवाई करने आए हो ना, आप भी कार्रवाई करने आए हो, तो आप बताओ ना, जब मेरा डाइवोर्स ही नहीं हो तो कैसे रहेगी इस घर में, कैसे रहेगी, कैसे बच्चा आएगा, मुझे आप ये बता दो ना। तो समर का उसके साथ भी नहीं, तो क्यों नहीं हुआ है? जब वो शादी करने गई थी पहले तो लेके ही तो गई थी डाइवोर्स, कैसे कैसे शादी कर ली उसने? वो तो खुद बोल रहा है कि मैं रखने के लिए रेडी हूं आपके सामने, रखने के लिए तो रेडी, तो ध्रुव भी है, तुम लोगों को क्यों आग लग रही है, तुम क्यों नहीं रहने दे रहे उसे वहाँ पे? देखो सुनो, आपने समर से बात करी थी, समर ने क्या बोला, आप राधिका की मम्मी और राधिका के ऊपर। सर आपने ध्रुव से बात की है? ठीक है आपने की ध्रुव से बात? अभी तक ध्रुव से बात नहीं हुई है, समर तो नहीं हुई, तो आप उससे बात करो ना। अब वो उसका हस्बैंड है, वो अपने घर ले जाए, वो बाहर ले जाए, जहाँ ले जाए, तो उसका राइट है, वो उसकी बीवी है, जहाँ मर्जी लेके जाएगा वो। लेकिन देखिए ना, आपकी सारी सारा सारा केस आपके ऊपर ही, तो मेरे पे कैसे आएगा? मैं वाइफ हूँ तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तो कहाँ रहूंगी, अपने घर रहूंगी क्या जाके? आपको मना नहीं करा जा रहा यहाँ, तो आप क्या कहना चाहते हो, आप मुझे इतना बता दो। देखिए समर की वाइफ गुनगुन भी है। अच्छा तो वो कैसे वाइफ है, मैं इतना बताओ ना मुझे, वो जो तो ये समझ में नहीं आता, वो आ रहा था वो वही चीजें कह रहा है, रेडी है, विटनेस क्या होगा, विटनेस? समर बोल रहा है, आप समर के बोलने से क्या हो जाता है? समर के बोलने से ऐसा थोड़ी ना, तो मैं क्या करूँ? तो ऐसा तो समर की मम्मी ने शादी करवाई थी, मैं क्या जबरदस्ती मैंने शादी कर ली थी क्या? देखिए आपका है दो शादी का, जो भी है मैं वो, मैंने कोई दो शादी नहीं की, जो मेरे पे बोल रही हूँ कि आपने दो शादी किया है, जो भी लीगली कहा जाएगा, ठीक है, वो समर की वाइफ है। लीगली कैसे कहा जाएगा, जब वो मैं जब आपको बता रही हूँ क्लियर,
कि जब उसने शादी की तो लेके गई वो, तो अब मैं आपको कितनी बार बोलूं, क्या दिखाऊं, सबूत दिखाऊंगी मैं अब आपको, ये चाहते हो क्या अब आप? उसके पास भी है शादी, सबूत तो मेरे पास भी है, इसमें कौन सी कहने वाली बात है? अब वो जब शादी करने के बाद दोबारा इस घर में लौट लौट के आएगी तो मैं ऐसे थोड़ी ना करते रहेंगे, यही काम रहेगा क्या हमारे पास? वो डिसीजन आपका नहीं है रखने ना रखने का, तो मुझे भी नहीं पता, तो ये डिसीजन मेरा ही रहेगा, उसके घर का, ठीक है बस मुझे नहीं पता अब, ठीक है। और उसके ठीक है जो बच्चा पल रहा है वो समर का है, वो ऐसे कहने से नहीं हो जाता ना, कहने से नहीं हो जाता, ठीक है टेस्ट भी करा लेंगे, तो ठीक है आप मेरी कंप्लेन लिखो, आप एक काम करो और आप दोबारा टेस्ट करवा लो, एक काम करो, ठीक है ठीक है। हद हो गई है आपकी, कोई भी आके कुछ भी कह देगा तो मान थोड़ी ना लूंगी मैं, कोई भी आके मैं भी किसी के कोई भी आके कुछ भी बोल देगा वो सब नहीं लिख रहा हूं, तो मैं भी नहीं जानती हूं, तमीज से और धीरे बात करिए, तो आप उसको भी बोलो कि तमीज से बात करें, मैं उससे ही बात करूंगा बस, लेकिन आप मेरे से भी तमीज से बात करिए, ठीक है मैं दायरे में रह के ही कर रही हूँ बात। और आप अपना बताइए, आप क्या कंप्लेंट लिखवाना चाहती हैं ये बताइए। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि इसकी बहन कौन लगती है जो इस घर में रहेगी, आप ये बताओ ना, जब मैं वाइफ हूँ तो मैं ही रहूंगी ना, आपने भी सब बात खुद, ठीक है। और इसकी बहन रहते रहते जब तक यहाँ पर रही वो मेरे पर चाटे छोड़ रही थी, वो कुछ नहीं, ठीक है। जब इसका भाई आता धमकी दे जाता है, इसके पापा आते कभी पैसे फेंक जाते हैं, ये क्या मतलब होता है? अब तेरी जुबान नहीं खुल रही होगी। सर मैं एक बात बताऊं, मैं कब आ गया धमकी देने, कब मैं मेरे कब ये कहता है कि इसकी बहन को हमने निकाल दिया यहाँ से, अब उसका पति लेने आएगा तो हम निकालेंगे नहीं उसको, या बोलेंगे नहीं कि तू तेरा पति लेने आया तो तू उसके साथ जा, लिखवा ले जो लिखवाना लिखवा ले, साइन करवाने के लिए गुनगुन के पास चली गई है तू, ठीक है साइन भी तू करवा ले जा, ठीक है साइन तू ही करवा, बोलो आप बोल, और क्या बोलूं, यही बोलूं और क्या बोल सकती हूं मैं, बोल दे भाई जो जो प्रॉब्लम है बता। और डिवोर्स लेके गई थी, ऐसा कुछ नहीं कि वो डिवोर्स लेके नहीं गई थी, दोबारा मंदिर में शादी करने के बाद ये नहीं हो जाता कि वो दोबारा डिवोर्स लेगी दोबारा ये करेगी, तो उसको बोलो कि पहले आके डिवोर्स ले ले यहां पे, फिर जाके 10 बार शादी करे वो, हां जी डिवोर्स हो चुका है एक बार, फिर उसने दोबारा शादी की, तो ये नहीं रहेगा बार बार यही करवाते रह जाएंगे कि हम डिवोर्स करवाते रह जाएंगे शादी करवाते रह जाएंगे, मेरे पास क्या यही काम रह गया है क्या? समर तो बच्चा नहीं है, समर ने भी तो शादी करी है, तो तेरी बहन भी बच्ची नहीं है, दूध पीती कि हमने यहाँ से निकाल दिया और वो चली गई गोद में बैठ के, तो बिठाने वाला भी तो समर ही था। हाँ तो फिर तो ले जाता अपने घर पे, तू किधर से इधर डोलता रहता कभी उस घर में कभी इस घर में। हाँ, आपको सर साइन भी तो चाहिए होंगे ना इस बाबू ढूंढ के। हाँ तो ये जाएगी अब साइन करवाने, कोई बात नहीं ये जाएगी, ये देगी अपने जब ये कंप्लेंट लिखवा रही। खुद की बहन को पता नहीं है कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। ठीक है कोई बात नहीं, कभी वहाँ जाती कभी यहाँ जाती है। सर उसका पति ले गया तो उसमें फॉल्ट क्या है? जब वो उसकी बीवी है तभी तो ले गया ना वो, कोई लड़का ऐसा तो नहीं ले जाता किसी लड़की को। चार महीने पहले उसका जब उसको डिवोर्स देगी तभी तो कोई बात होगी ना, फिर उसके बाद उसका पति आ गया, बीवी तो वो समर की भी है। हाँ तो है सर, वो ध्रुव कहाँ जाएगा फिर? उसकी मम्मी भी बोल रही थी आपके सामने, समर भी, तो ध्रुव कहाँ जाएगा फिर? ध्रुव के माथे पे कैसे लिखा हुआ है? ध्रुव से उसने डिवोर्स लिया है अभी नहीं सर, वो मुझे नहीं पता, नहीं लिया सर, नहीं लिया, नहीं लिया तो फिर बताओ ना कैसे होगा। समर और समर की मम्मी के सामने कि मैं ध्रुव से बात करके ये सब चीज सॉर्ट आउट करूंगा, तो आप ध्रुव से ही बात करके ये चीजें खत्म करना, ठीक है। इसके जो चीज है आप उसे लिखो, ये गुनगुन के पास जाएगी कंप्लेंट देने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी तो ज्यादा बड़ी बन रही है, कंप्लेंट कर रही है, लिखवा ले कंप्लेंट भेज जा आप, फिर गुनगुन के ऊपर ले लेना जो भी बात हुई है, मैं इस चीज में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो बस यही कहूंगा जो उसके पेट में उसका समर का बच्चा है उसकी जिम्मेदारी तो सब खैर समर की ही है, और समर की है समर का तो मानने से थोड़ी ना हो जाता है, मानने से थोड़ी होगा। लेकिन सब पहले आप मुझे ठीक है ये बोल रहा है तो क्लियर कर दो, एक काम करो आके, और फिर एक काम करो मेरा डाइवोर्स करवा दो और आप ले जाओ, ठीक है बात खत्म। समर भी बोल रहा है, बाकी मुझे नहीं पता, अब चाहे कोई भी बोले, वो बंदा तो कभी मुझे बोलता है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, फिर मेरे को आगे बोलेगा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। समर का बयान, ठीक है समर का बयान, चाहे किसी का ही बयान हो मुझे नहीं पता, बस बात खत्म। समर ने खुद बोला है कि जो गुनगुन के पेट में बच्चा है वो समर का ही है, और वो उसको यहाँ पर, मुझे तो जो पता मैंने आपको बता दिया, राधिका और उसकी माँ उसे रहने देना नहीं चाहती, तो कैसे रहने दूंगी मैं कैसे रहने दूंगी इस घर में, जो पता था मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब किसी के मानने से हो या ना हो या बच्चा उसका या किसी का मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया, और रही बात इस घर में आने की, वो तो आएगी नहीं, ठीक है, जो भी है मैं आपको बता दूंगा, मैंने आपकी भी बयान ले लिया है, ठीक है, अब जो होगा देखेंगे, आमने सामने बात करेंगे आप लोगों का, क्योंकि एक दूसरे का आगे पीछे से बोलेंगे, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, सामने आमने सामना करेंगे, फिर आप बात करते हैं, आप यहाँ अपना साइन कर दीजिए।